नमस्कार। इस कहानी का शीर्षक है मंदिर का पुजारी। एक बार की बात है कि एक समृद्ध व्यापारी जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ न कुछ सुकर्म किया करता था, गुरु से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गांव पीछे जरूर छोड़ आया हूँ, पर हर समय मुझे लगता रहता है कि वहाँ पर एक ऐसा देवालय बनाया जाए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो, अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसंस्कृत किया जाए, अशरण को शरण मिले, वस्त्रहीन का तन ढके, रोगियों को दवा और चिकित्सा मिले, बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सकें। सुनते ही गुरु प्रसन्नता पूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा ही एक मंदिर अपने इस नगर में भी बनवाओ। व्यापारी को सुझाव पसंद आया और उसने दो मंदिर, एक अपने गांव और दूसरा अपने नगर में जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था, बनवा दिए। दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए। लेकिन कुछ दिन ही बीते थे कि व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे हैं, जबकि वहां पहुंचने का रास्ता काफी कठिन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भारी मन से वह गुरुजी के पास गया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरुजी ने कुछ विचार किया और फिर उसे यह परामर्श दिया कि वह गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए बुला ले। उसने वैसा ही किया। नगर के पुजारी को गांव और गांव के पुजारी को नगर में सेवा पर नियुक्त कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि अब गांव के लोग नगर के मंदिर की ओर रुख करने लगे हैं। अब तो उसे हैरानी के साथ साथ परेशानी भी अनुभव होने लगी। बिना एक क्षण की देरी के वह गुरुजी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दोनों पुजारियों का स्थानांतरण किया, लेकिन समस्या तो पहले से भी गंभीर हो चली है कि अब तो मेरे गांव के परिचित और परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके नगर के देवालय में आने लगे हैं। मुझसे यह नहीं देखा जाता। व्यापारी की बात सुनते ही गुरुजी सारी बात समझ गए और बोले, हैरानी और परेशानी छोड़ो, दरअसल जो गांव वाले पुजारी हैं, उनका अच्छा स्वभाव ही है जो लोग उसी देवालय में जाना चाहते हैं जहाँ वे होते हैं। उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, उनके दुख से दुखी होना, उनके सुख से प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार करना ही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है और लोग स्वतः ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं। अब सारी बात व्यापारी की समझ में आ चुकी थी। दोस्तों, हमें भी यह बात अच्छे से समझनी चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व हमारे बाहरी रंग रूप से नहीं, हमारे व्यवहार से निर्धारित होता है। बिल्कुल एक समान ज्ञान और वेशभूषा वाले दो पुजारियों में लोग कष्ट सहकर भी उसी के पास गए जो अधिक संवेदनशील और व्यवहारी था। इसी तरह हम चाहे जिस कार्य क्षेत्र में जुड़े हों, हमारी सफलता में हमारे व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी को इस परम सत्य का बोध होना चाहिए कि इस धरती पर मात्र अपने लिए ही नहीं आए हैं, हमें अपने सुख दुख की चिंता के साथ साथ दूसरों के दुख और सुख को जरूर बांटना चाहिए, उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि हम जहाँ पर उपस्थित हों वहाँ पर स्वतः ही एक अच्छा वातावरण बना रहे और सकारात्मकता की तरंगों से हमारा जीवन सागर लहलहाता रहे।